बहुत ही यम्मी डिलीशियस पुलाव जो कि सिर्फ 1 घंटे में तैयार और आपको बहुत आसानी से घर में बना सकते हैं और खा भी सकते हैं। इसमें किसी मसाले की ज़रूरत नहीं है, बस आपके घर में ही सब चीज़ें मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे और मैं भी खैरियत से हूँ। आज मैं यूट्यूब पे अपनी पहली वीडियो अपलोड करने जा रही हूँ और यूट्यूब पे मैं आज बना रही हूँ पुलाव। पुलाव बहुत ही आसान है, आपको हर चीज़ घर में मिल जाएगी और बहुत ही ईजी है, जैसे घर में बनाते हैं वैसे बिल्कुल आसान पुलाव है, बहुत टेस्टी बनने जा रहा है। और मैं आपको बताती चलूँ कि मेरा नाम आमना है और मैं यूट्यूब पे पहली वीडियो अपलोड करने जा रही हूँ। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, अगर कोई गलती होगी तो माफ़ करना, क्योंकि पहली वीडियो अपलोड कर रही है तो बहुत डर भी लग रहा है, तो इसलिए बहुत डर भी लग रहा है। मैं सेकंड ईयर में पढ़ती हूँ और आज मैं पुलाव बना रही हूँ। आप देख रहे हैं, मैंने 1 किलो गोई लिया, गोई में पानी मैंने डाल लिया, प्रेशर कुकर में गोई भी डाली, एक इलायची डाली है, दो दाल चीनी के पीस डाले हैं और दो लौंग डाले हैं और लहसुन डाला है। अब मैं प्रेशर कुकर को बंद करके चूल्हे पे 10 से 15 मिनट के लिए चढ़ा दूँगी। जब सीटी 10 से 15 बजेगी, आपको ध्यान रखना कि ज़्यादा गोई नहीं गलना चाहिए, क्योंकि गोई को आगे आपने पकाना भी है पुलाव में और फिर बहुत टेस्टी और बहुत यमी बनने जा रही है पुलाव। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब वीडियो और शेयर कर देना, प्लीज़ मेरी हौसला अफजाई करना, आपका बहुत बहुत शुक्रिया होगा। प्रेशर कुकर को मैंने बंद करके सीटी लगा के चूल्हे पे चढ़ा दिया। अब इंतज़ार करते हैं कि 10 से 15 मिनट के लिए प्रेशर कुकर की सीटी बज जाए और गोश्त हमारा गल जाए। ज़्यादा नहीं गलना चाहिए, बहुत थोड़ा सा गलना चाहिए। मैं पहली वीडियो बना रही हूँ, अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना ताकि मेरा हौसला हो जाए, मैं नेक्स्ट वीडियो बना सकूँ। चूल्हा बंद करेंगे और सीटी उठाएँगे। अब ये प्रेशर कुकर की पूरी तरह हवा निकल गई, अब हम इसमें से निकाल के तकरीबन गोश्त चेक करेंगे कि कैसा बना है। ये देखें तकरीबन गोश्त गल गया है, इसमें अब ज़रा सा फ़र्क है, जो हम तड़के में भून लेंगे वो ठीक हो जाएगा, ज़रा सा फ़र्क है। अब मैंने ये 2 अदद प्याज काट लिए हैं, 2 बड़े साइज़ के प्याज लिए हैं, याद रखना 2 बड़े साइज़ के प्याज लेना। अब मैं यहाँ पे प्याज डालूँगी, प्याज के बीच में मैंने ये घी डाला, तकरीबन 2 चम्मच डालूंगी। अब प्याज को हम हल्का ब्राउन कर लेंगे। ये प्याज तकरीबन ब्राउन हो चुका है, अब हम इसमें टमाटर डालेंगे। ये मैंने बारीक टमाटर काट लिए, ये तकरीबन 3 टमाटर कटे हुए हैं, अब मैं इसमें टमाटर डालूंगी। अब मैं इसमें लहसुन डालूंगी, आधा लहसुन मैंने उधर गोश्त में डाला था, अब ये थोड़ा सा बचा है जो मैं इधर पुलाव के मसाले में डालूंगी। अब मैं इसमें मसाले ऐड करने लगी, तकरीबन इसमें मैं सुरख मिर्च नहीं ऐड करूंगी, इसमें मैं जड़ा मिर्चें ऐड करूंगी। आपको ये याद है कि आपने जड़ा मिर्चें ऐड करनी है। सूखा धनिया ऐड करने लगे, नमक ऐड करूंगी। हो
और इसमें मैं कोई मसाला नहीं ऐड करूंगी, बगैर किसी पुलाव मसाले के बहुत टेस्टी बनने वाला है पुलाव। आप एक बार ट्राई ज़रूर करना ये पुलाव बगैर किसी मसाले के। बस ये दड़ा मिर्चे हैं बगैर। अब इस मसाले को हम अच्छी तरह भूनेंगे। तकरीबन ये हमारा मसाला बनके तैयार हो चुका है पुलाव का। अब हम इसमें गोश्त ऐड करेंगे। ये मैंने पानी में से गोश्त अलग करके निकाल लिया था, जो हम इस मसाले में ऐड करेंगे। ये गोश्त मैंने ऐड कर दिया। अब इसको मैं अच्छी तरह गोश्त को भूनूंगी। तकरीबन ये गोश्त का मसाला भुन चुका है, गोश्त भुन चुका है पूरी तरह। अब हमारा गोश्त यहाँ पे तैयार है। अब मैं इसमें पानी ऐड करूंगी। अब मैं इसमें वो पानी ऐड करूंगी जिसमें हमने गोश्त उबाला था। अब ये वो पानी है जो ऐड करूंगी। तकरीबन इसमें मैं 5 गिलास पानी ऐड करूंगी, क्योंकि मैंने 2.5 गिलास चावल गीले किए हुए हैं, भिगो के रखे हुए हैं। इसमें मैं तकरीबन 2.5 गिलास पानी ऐड करूंगी। आज बहुत ही मज़े की रेसिपी बनने जा रही है। यकीन करें आप खाएंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। बहुत ही आसान है, ना कोई हमने पुलाव मसाला कुछ और मसाला ऐड किया है, बस सीधा सीधा बना रहे हैं। मैंने ये 5 गिलास पानी ऐड कर लिया। अब इसमें मैं गरम मसाला ऐड करूंगी, और गरम मसाला भी ऐड कर लिया। अब मैं इसका बॉल आने का इंतज़ार करूंगी, उबाल आने का इंतज़ार करूंगी। ये तकरीबन हमारे पानी को उबाल आ चुके हैं। अब इसमें मैं चावल ऐड करूंगी। चावल मैंने पहले ही भिगो के रख दिए थे अब इसमें मैं चावल ऐड करने जा रही हूँ। याद रखें ज़ाया नहीं करना है, चावल सारे ऐड करने। कई लोगों को बहुत मुश्किल से मिलता है, ज़ाया नहीं करने चाहिए कोई भी चीज़। हमें सही बताने चाहिए। तकरीबन मैंने चावल ऐड कर दिए। नमक आप लोग पूरे चेक कर लेना है कि नमक कम तो नहीं है। इनमें तो नमक कम लग रहा है, आप नमक बाद में भी ऐड कर सकते हैं। अब हम चावल के ऊपर थाली देने लगे हैं तकरीबन 5 मिनट के लिए। दम पे लगाएंगे। दम पे लगाने के लिए आपको ध्यान है कि बिल्कुल ज़रा ज़रा पानी रहना चाहिए। अब हम इसको दम पे लगाएंगे। दम पे लगे चावलों को साइड पे करते हैं, नीचे तवा रखते हैं। वापस चावल उठा के हम इस तवे पे रखते हैं। आपको इस बच्चे की थाली पे कोई भी कपड़ा, कोई भी चीज़ ना, साफ कपड़ा उस पर चढ़ा देना, और इसके ऊपर ना कोई भी बारी बारी चीज़ रख देनी है ताकि हवा बाहर ना निकल सके। हमारे चावल से तकरीबन 5 से 10 मिनट हो गए। हम आप बता के देखेंगे कि कैसे बन रहे हमारे चावल। ये देखें बिल्कुल जुड़े नहीं हैं, अलग अलग हैं। अब मैं आपको सर्व करके भी दिखा देती हूँ। ये देखें बिल्कुल अलग अलग हैं, नहीं जुड़े, साथ में बिल्कुल टेस्टी हैं, यम्मी हैं, बिल्कुल अलग अलग हैं हमारे चावल। अब आप सर्व कर सकते हैं, सब कुछ ला सकते हैं। आप सर्व भी कर सकते हैं, बिल्कुल टेस्टी है, यम्मी है, बगैर किसी पुलाव मसाले के ये पुलाव बना है, बहुत टेस्टी है। उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक करें और शेयर करें ताकि मेरा चैनल बहुत से लोग देखें और मेरी मेहनत ज़ाया ना जाए।